हेलो बच्चों, लेसन एट द क्वेश्चन क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स इज -3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x+5=0। ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन। चार ऑप्शन गिवन है, करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। वर्टेक्स क्या है? -3,0 है और डायरेक्ट्रिक्स कितनी है? x+5=0 है। लेट्स सपोज ये वर्टेक्स है, दिस पॉइंट इज -3,0, तो पैराबोला बनेगा हमारा इस टाइप का। ये क्या है? इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, x+5=0 है। लेट्स से ये हमारी फोकस है एस, ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट पी ले लेंगे तो एस पी इक्वल टू क्या होगा हमारा? पी एम के इक्वल होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायरेक्ट सी पॉइंट पी से। फोकस क्या होगा इसका? फोकस ऑफ पैराबोला एस, सिंस एस पी इक्वल टू क्या होता है हमारा? पी एम के इक्वल होता है। इसका फोकस क्या आएगा? -1,0 आएगा, बिकॉज माई ये पॉइंट क्या है हमारा? -5,0 है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी? सेम होगी। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? -1,0 के इक्वल आ जाएगा। Now, इन पैराबोला जो एस पी है वो क्या है? पी एम के इक्वल है। पी पॉइंट हम क्या ले लेंगे? एक्स कोमा वाई ले लेंगे, कोई भी पॉइंट है हमारा पी। सो एस से पी की डिस्टेंस और एस से पी से एम की डिस्टेंस, ये दोनों क्या होगी? सेम होगी। या यहां से हमारा आएगा एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एस से पी की डिस्टेंस ये हमारी आएगी x+1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर। पी से m की डिस्टेंस, m हमारी क्या है? साइड क्या? m हमारी इक्वेशन क्या है? m की सॉरी डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x+5=0 है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 1 x+5/√1। तो ये 1 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। यहां से हमारा आएगा x+1 का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो x² + 1 + 2x + y² = x+5 का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो x² + 25 + 5 2 = 10x, x² कैंसिल आउट हुआ तो y² = फाइनली आ जाएगा 25 - 1 = 24 आ जाएगा एंड प्लस का आ जाएगा हमारा 8x। इसमें से हम क्या करेंगे? 8 को कॉमन ले लेंगे तो y² = आएगा 8 x + 3 के इक्वल आएगा। ये हमारा आएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।